कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा। का जोश था तुम्हारी इन उदास आंखों में, गजब का जोश था तुम्हारी इन उदास आंखों में, गुमान तक ना था कि तुम भी छोड़ जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। ये वो बरस था कि एक करीमा नाम की लड़की हमारे बीच में रहती थी, मगर उसका नाम हमारे ज़हनो गुमान में ना था। और आज इस बरस में वो लड़की हमारे बीच में नहीं रही, मगर उसका नाम हमारे ज़हनो गुमान में आज तक उठता है। और बार अर्ज करूँगा, राह में बैठा है मुस्कुराता है, राह में बैठा है मुस्कुराता है, ये कौन राह में बैठा है जो मुस्कुराता है। मुसाफिरों को गलत रास्ता बताता है, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताता है, तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे तो लगाए हुए पेड़ भी सूख जाते हैं। पता है बलूचिस्तान में लड़कियां अपने घर से नहीं निकलती, ज़्यादातर 90% लड़कियां अपने घर में ही रहती हैं, और वो एक अकेली खातून करीमा बलोच अपना सर उठाकर पूरी दुनिया से लड़ती रही, और आखिरकार एक दिन वो शहीद हो गई। हम आज उसके हम आवाज़ बने हुए हैं, अगर हम पहले उसके हम आवाज़ ऐसे ही बने होते तो वो हमारे बीच में रहती। हम उसकी महफिल में चार बंदों के बजाय हम 400 बंदे होते तो हमारी बहन करीमा बलोच आज हमारे दरमियाँ में रहती। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अब तो वो बातें गई, अब तो वो रात भी गई, अब तो ना अफसोस का फायदा है, अब तो ना किसी चीज का फायदा है। बस जिस तरीके से